वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मेरा नाम सबने सुना होगा, नाम है दीपक भोजी। जो किसान आंदोलन हुआ था, जब सिख और हरियाणा वाले पंजाब वाले मिले थे ना, तब हमारे को पता लगा था कि हमारी समस्याएं एक है, हमारे को तो अलग अलग मुद्दों में उतारा जाता है। और जो सिखी का सही मायने में प्रचार होना चाहिए था, वो प्रचार आज तक नहीं हो पाया है, क्योंकि सभी लोग सब अपने धर्म का प्रचार करते हैं। सिर्फ एक सिखी ही ऐसा धर्म है जो किसी दूसरे धर्म के बारे में कभी आज तक कोई गलत प्रचार नहीं किया है। बाकी हर धर्म के अंदर मिल जाएगा, दूसरे धर्मों का गलत प्रचार करते हुए मिल जाएंगे लोग। ये सिर्फ अपना प्रचार ही नहीं किया कभी इन्होंने इतना। हालांकि होना चाहिए था, जो सिखी का सही मायने प्रचार होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। जो नई पंजीनी बोलते थे अपने पंजाबी भाषा में, अंदर नए नए बच्चे हैं, उनको अपने इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। किसी से पूछ कर देख लेना, कोई नहीं बता पाएगा। अपने दादा परदादा के बारे में नहीं बता पाएगा कोई। पुराने इतिहास की तो बात ही अलग है। और इतिहास को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है, ये बात आप सब लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं पिछले 3 साल से इस कोशिश में लगा हुआ हूँ, जहां पर भी पुराना इतिहास मिलता उसको निकाल कर लेके आता हूँ, लोगों से पूछता हूँ ये सही है या नहीं है। हमारे को किताबों में उल्टा पढ़ा जा रहा है, असली इतिहास जो है उसको मिटाया जा रहा है धीरे धीरे। जब तक आप लोग अपने इतिहास से रूबरू नहीं होंगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम लोग हैं कौन। एक बात बताओ, जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे थे उनको छोड़ दिया गया, बंदी सिंह की सजा पूरी हो चुकी है, उनको आज तक क्यों नहीं छोड़ा गया है? और उनमें से भी सबसे कमाल की बात है, बहुत से बंदी सिंह के नाम पर आज तक कोई FIR की दर्ज नहीं है। हमारे को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम सब लोग मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है अपने परिवार वालों से मिलने का? लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जाता। ये तानाशाही नहीं और क्या है सरकारों की? अभी पिछले दिनों आदेश आया था कि जो सेना है, मैं ये फौजी हूँ, फौज के अंदर सिखों की दस्तार उतार कर उनको हेलमेट पहनाया जाएगा। ये सबको पता है दस्तार किसने पहनाई थी? दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पहनाई थी। सिंह कभी दस्तार नहीं उतारेंगे। आज तक जब से सेना बनी है, तब से लेके आज तक कभी किसने दस्तार पे उंगली नहीं उठाई, लेकिन इन लोगों ने उठा दी। उसके बाद वो 200 मुक्ति आई है पाकिस्तान के अंदर से, बोले उनको अग्नि के भेंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? पहले उनके अंदर क्या है वो देखा जाएगा, उसके बाद जो करना वो करेंगे। इसलिए धीरे धीरे आपका इतिहास ना मिटाया जा रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया अपने नाम सुना हुआ एक देश है, वहां पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पंजाबी पढ़ाई जाती है, पंजाब का इतिहास पढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ 7 लोग का हरियाणा ही है, हरियाणा के किसी स्कूल में पंजाबी पढ़ाई जाती है? पहले पढ़ाई जाती थी, आप 80 से पहले देखोगे हर एक हरियाणा के स्कूल के अंदर पंजाबी पढ़ाई जाती थी, वो धीरे धीरे खत्म कर दी। अब तो तकरीबन पंजाब में भी ऐसे स्कूल है जिनके अंदर पंजाबी नहीं पढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे पंजाब की जो संस्कृति उसको खत्म किया जा रहा है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब तक हम मिलके नहीं लड़ेंगे ना, मिलके नहीं चलेंगे, तब तक ये लोग अलग अलग करके मारते रहेंगे। पहले हरियाणा की संस्कृति को खत्म किया था, अब पंजाब की संस्कृति को, पंजाबी भाषा को खत्म किया जा रहा है। अगर उसको बचाना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। जो बंदी सिंह की रिहाई के लिए मोर्चा लगे हुआ मोहाली, आप समय निकाल के वहां पे जाओ, उस मोर्चे को मजबूत करो और बंदी सिंह को रिहा कराने का, इससे दूसरा समय नहीं मिलेगा। 2024 के बाद भी अगर यही सरकार आगी ना, फिर ना तो आप कोई आंदोलन कर सकते, ना ही सरकार से लड़ सकते, फिर ये सरकार वही तानाशाही करेगी जो करती आई थी। आपको पता होना चाहिए, 3 काले कानून रद्द करवाने के लिए 720 साथियों ने साथ दे दी थी, वही 3 कानून दोबारा पारित कर दिए गए संसद के अंदर 300 कार्यकारिणी समिति के नाम से। क्या फिर हमारे को लड़ना पड़ेगा, फिर दिल्ली जाकर बैठना पड़ेगा? उससे पहले ही क्यों नहीं इलाज कर लेते इनका? सबसे पहला कारण होना चाहिए बंदी सिंह की रिहाई, उसके बाद जो अपनी अगली लड़ाई, अपनी जमीन बचाने की लड़ाई है, वो जब तक मिलकर नहीं लड़ेंगे, संयुक्त पंजाब मिलकर नहीं लड़ेगा ना, तब तक आप लड़ाई नहीं जीत सकते। ये चाहते हैं हम अलग अलग लड़े, अलग अलग हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे सबसे पहले। लेकिन बंदी सिंह की रिहाई होगी, बंदी सिंह की रिहा होने के बाद फिर हम लड़ेंगे, तो इस सरकार को फिर झुका के दिखाएंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आज सत श्री अकाल।